तो आपको बता दें कि कन्हैयालाल की जो हत्या हुई है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और इस वक्त छत्तीसगढ़ में लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंद का ऐलान किया गया है और इस दौरान रायपुर में बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए बाइक रैली निकाली और बीजेपी का दावा है कि आज रायपुर में स्कूल और कॉलेज सभी बंद रहेंगे, नहीं खुलेंगे। तो आपको बता दें, तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर में बीजेपी की ओर से बंद का ऐलान किया गया, राजधानी पूरी तरह से बंद है, दुकानों के शटर डाउन है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं भगवा झंडों के साथ, आप देख सकते हैं जो बाकी हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं और लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसका वो विरोध करते हैं और चाहते हैं कि उसके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस बंद को सफल बनाने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई है। इस बीच आपको बताएं कि जो गुस्सा है हर एक शख्स के अंदर है, क्योंकि जिस निर्मम तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई थी उसके बाद जिस तरह से दरिंदों ने वीडियो बनाकर सबके सामने इसको जाहिर किया था, उससे लोगों के अंदर जो गुस्सा है, अब सिर्फ राजस्थान या उदयपुर नहीं है, उसके अलावा देश के हर एक हिस्से में प्रदर्शन हुआ है और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जहां पर आज बंद का ऐलान हुआ है और इस बंद के ऐलान के दौरान एक बाइक रैली निकाली गई है जिसमें हिंदू समाज के लोग शामिल हुए हैं और भगवा झंडों के साथ वो पूरे शहर के अंदर इस बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।